हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हिंदी के छठवें टेस्ट सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, संधि किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, दो वर्णों के मेल से निर्मित। ऑप्शन बी, दो स्वरों के मेल से निर्मित। ऑप्शन सी, दो व्यंजनों के मेल से निर्मित। और ऑप्शन डी सभी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, दो वर्णों के मेल से निर्मित। क्वेश्चन नंबर दो है, संधि के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, संधि के अंतर्गत निम्न शामिल नहीं है। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी प्लुत संधि और ऑप्शन डी विसर्ग संधि। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी प्लुत संधि। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में लाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी संधि विच्छेद, ऑप्शन सी संधि पद और ऑप्शन डी सभी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वर संधि के अंतर्गत किस संधि को सजातीय संधि भी कहा जाता है? ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी गुण स्वर संधि, ऑप्शन सी वृद्धि स्वर संधि और ऑप्शन डी अयादि स्वर संधि। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें दो स्वर्ण या सजातीय स्वरों के बीच संधि होकर उनके रूप दीर्घ हो जाते हैं, वह कौन से संधि कहलाते हैं? ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी गुण स्वर संधि, ऑप्शन सी वृद्धि स्वर संधि और ऑप्शन डी अयादि स्वर संधि। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 8 है, जब संधि करते समय आ के बाद ई ई हो तो ए बनता है और आ के बाद उ उ आए तो ओ बनता है और जब आ के बाद री आए तो अर बनता है, वह कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी गुण स्वर संधि, ऑप्शन सी वृद्धि स्वर संधि और ऑप्शन डी अयादि स्वर संधि। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी गुण स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि आ के साथ ऐ ऐ आए तो ऐ बनता है और आ के साथ औ औ आए तो औ बनता है, वह कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी गुण स्वर संधि, ऑप्शन सी वृद्धि स्वर संधि और ऑप्शन डी अयादि स्वर संधि। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी वृद्धि स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब ई ई उ री के आगे कोई भिन्न स्वर आता है और यह क्रमशः य व र ला में परिवर्तित हो जाता है तो वह कौन सा संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी गुण स्वर संधि, ऑप्शन सी वृद्धि स्वर संधि और ऑप्शन डी यण स्वर संधि। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी यण स्वर संधि। वहीं अंतिम क्वेश्चन है, जब संधि करते समय ऐ ऐ औ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ऐ का आय ओ का औ और आओ का आओ बन जाता है, वह कौन सा संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी गुण स्वर संधि, ऑप्शन सी वृद्धि स्वर संधि और ऑप्शन डी अयादि स्वर संधि। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी अयादि स्वर संधि।